भारत की महान पौराणिक कथाओं का संग्रह। सब्सक्राइब करें भक्ति कथा। शिवा के महामिलन में बाधा डाली है। दो प्राणों के महामिलन को अपूर्ण किया है। पूर्णता में बाधक देवताओं, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम भी सदा अपूर्ण रहोगे। तुम सदा सदा के लिए निसंतान रहोगे। तुम्हारी पत्नियाँ कभी भी माता होने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सकेंगी। क्षमा करें माँ, हम पर दया करें। माता पार्वती हम पर दया करें माँ, दया करें, हमें क्षमा करें माँ, क्षमा करें, दया करें माँ, दया करें। बुद्धिमानी है। Thank you.
हवा में बहता हुआ शिव का तेज पुंज तुम सबने धारण कर लिया है। अब इस पीड़ा और संकट का निवारण केवल शिव आराधना ही है। आओ तट पर बैठकर पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। शिव सदा मंगल ही करे। पुंज गंगा जल के प्रवाह से तट पर आ लगता है, जहां उसके प्रभाव से संपूर्ण वातावरण दिव्य हो उठता है। वेग से चलते पवन के चंचल स्पर्श से पत्ते लयबद्ध ध्वनि करने लगते हैं। तट पर ऋषि विश्वामित्र शिष्यों सहित यज्ञ कर रहे हैं कि अकस्मात शिशु के रुदन की गूंज उन्हें सुनाई दे। क्या हुआ गुरुदेव? आप खड़े क्यों हो गए गुरुदेव? शिशु का रुदन सुन रहे हो? किसी नवजात शिशु का रुदन है गुरुदेव। ये शिव पुत्र है। शिव पुत्र? असुरों का नाश करने वाला शिव पुत्र। उसके दर्शन का पुण्य लाभ करना होगा। मुझे इसी घड़ी की प्रतीक्षा थी शिव पुत्र, इसी घड़ी की प्रतीक्षा। सिकंद नाम शक्ति पुंज नमो नमः। हे शिव पुत्र, शिव के तेज से उत्पन्न होने के कारण आप में वो सभी शक्तियां विद्यमान हैं जो भगवान शिव में है। तारकासुर जैसे अत्याचारी का संहार करने के लिए ही आप इस धरती पर प्रकट हुए हैं। हे शक्ति पुंज, कृपा कर मुझे वो ज्ञान एवं शक्ति प्रदान करें जिसके लिए मैं अनंत समय से प्रयत्नशील होने के उपरांत भी वंचित हूं। कृपा करें ऐ कृपा निधान, दया करें ऐ दया निधान, कृपा करें। ज्ञान और शक्ति आपने समा गई है। राजी से महर्षि बन चुके हैं। अब मैं आपको ब्रह्म ऋषि बनने का वरदान देता हूँ। शिव कृपा से आपके हृदय में धर्म ज्ञान प्रकट होगा। आपका स्थान ब्रह्म ऋषि में श्रेष्ठ होगा। Thank you.
पुत्र, तुम्हें पूर्ण ब्रह्म ज्ञान हो गया है, अब तुम ब्रह्म ज्ञानी हो गए हो। नमः शिवाय। दुखी जन का रुदन दूर करने के लिए तो आप प्रकट हुए हैं और स्वयं रुदन कर रहे हैं। आपकी लीला का प्रयोग मुझ पर क्यों भगवान, जगत पर करें? सूचनाएं देना। नारायण नारायण। कैसे कौन शिशु रो रहा है? जो भी कोई है, इसने हमारे मन के मातृत्व को जागृत कर दिया है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। लग तो ऐसा ही रहा है जैसे कि अपना ही शिशु रो रहा है। जब हम सभी को ऐसा लग रहा है तो हमें तुरंत शिशु की खोज करनी चाहिए। भव्याकृति, कुछ दिखाई दिया? नहीं, तेजाकृति, प्रभाकृति, शोभाकृति और आभाकृति, किसी को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नारायण नारायण। देव ऋषि, आप और यहाँ, आप तो तीनों लोगों में भ्रमण करते हैं, आज नक्षत्र लोक में आना कैसे हुआ? नारद जिस लोक में भी जाता है लोक कल्याण के लिए ही जाता है, और आज नक्षत्र लोक में भी इसलिए आया है कि आपने मातृत्व जागृत होने के कारण आप सभी की गोद भर देने का सुफल देना चाहता है। नारायण नारायण। ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? मैं नहीं, उस शिशु का रुदन कह रहा है जो आपके मातृत्व के अभाव में व्याकुल है। अर्थात जिस शिशु का रुदन सुनकर हमारा मातृत्व जागृत हुआ है, आप सभी उसकी माताएं हैं। मातृ प्रेम कारण तो उत्पन्न नहीं होता, आप सभी ने पिछले जन्म में दिव्य पुत्र की माताएं बनने का वरदान प्राप्त किया था, वो वरदान अब फलित हुआ है और यही शिशु आपकी मातृ भावनाओं की पूर्ति करेगा। इसीलिए सखन वन के जल में रुदन द्वारा वो आप सभी को पुकार रहा है। परम पिता ब्रह्मा जी के वरदान अनुसार महाबली तारकासुर का वध इसी शिशु द्वारा होगा। दुष्ट तारकासुर की कुदृष्टि इस पर ना पड़े, इसीलिए कुमार अवस्था प्राप्त होने तक इसका लालन पालन यहाँ नक्षत्र लोक में आप सभी के द्वारा होगा। अर्थात हम सब उसकी माता हैं और वो हमारा पुत्र है। सत्य कहा आपने, ये पुत्र ऐसे सुख प्रदान करेगा अपनी माताओं को कि जन्म जन्मांतर तक उस सुख का स्मरण करके तुम सुखी होती ही रहो। देवर्षि, इतने समय से आप चर्चा ही कर रहे हैं? आपकी ये लंबी चौड़ी चर्चा
माता और पुत्र के बीच अवरोध बनी हुई है, तो अब विलंब क्यों? आओ चले, शीघ्र चले। माता का हृदय कब और कैसे बनाया है प्रभु? क्या आपने मन की करुणा और माता के हृदय की ममता के मेल से बनाया है? देखा ना, पुत्र का नाम सुनते ही कैसी सबके सब भाग गई अपने पुत्र कार्तिकेय के पास।